हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो पिछला व्लॉग आपने देखा ही होगा जिसमें मैंने पपड़ी बनाई थी, मैदे के पापड़ बनाए थे और ये सब चीज़ें की थी। ये बस दोपहर से मैंने रूटीन स्टार्ट कर दिया है। अभी वाटरमेलन कट कर रही हूँ, गर्मियों में ये ज़रूर से खाना चाहिए और मुझे और इलू को बहुत पसंद। तो बस कट करके गाड़ी के लिए पैक करूँगी ये, क्योंकि अभी इलू को मन हो रहा था खाने का और हमें जाना था मार्केट, इनको जाना था ऑफिस भी जाना था, प्लस कपड़े भी लेने थे। तो उन्होंने कहा चलो बीच में ले लेते, तो फिर मैंने कहा चलो कट कर रही हूँ तो पैक करके ले चलते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे खा लेंगे। तो बस ये पैक कर रही थी, इसके बाद हम लोग मार्केट जाएंगे। तो देखो सुबह से काम भी काफ़ी रहता है, फिर मार्केट का काम भी रहता है, जो फ्री टाइम होता है तो फिर उसमें मार्केट का काम और इधर उधर से चीज़ें लाना और ये सब करना पड़ता है। तो सुबह से लेकर शाम तक पूरा पैक रहता है मेरा दिन, और बस ये पैक करके अभी जाके आएंगे मार्केट। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जाके हैं मार्केट, इनके कपड़े लेके आए, हमारी तो हो गई थी शॉपिंग, मैंने दिखा दी इनको। मैं ऊपर नहीं लेके आई, ये यहीं से छोड़ के डायरेक्ट चले गाड़ी से, तो फिर मैं ऊपर नहीं लेके आई। ये आएंगे ना ऊपर तब दिखाऊंगी। दो टी शर्ट्स लाए और दो शर्ट्स लाएँ, अभी बस इतना लाए, जीन्स इनको पसंद नहीं आई तो ये लाए बस। बाकी बस अब घर आ गई हूँ, देखती हूँ थोड़ा सा शाम वाला सफाई करूँगी, फिर सोच रही गुजिया बनाऊँ कि पपड़ी ख़त्म कर लूँ बना के, ये सोच रही। अभी कपड़े सुखाए थे मैंने सुबह को, वो निकाल लेती हूँ और फिर काम शुरू करते हैं। देखा आपने, कपड़े जो है वो समेटे और शाम की सफाई की। अब आ गई हूँ किचन में, ये पूरी वीडियो बनाने की तैयारी है, वीडियो शूट करने की तैयारी है, पपड़ी वपड़ी जो नेक्स्ट बनेंगी ना उसकी तैयारी हो रही है। और फिर आपको इस ट्राईपॉड में मोबाइल लगा के आपको पूरा दिखाऊंगी। ये मैंने मैदा लिया है आधा किलो के करीब होगा, उसमें मैंने नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, और ये है अजवाइन, ये डाल दिए। और फिर इसमें मोइन पड़ेगा, बेसन की पपड़ी में मोइन नहीं पड़ता है और मैदे वाली में सबको ही पता है, इसकी रेसिपी सबको ही पता है, तो इसमें मोइन पड़ता है। तो आज मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डालूंगी इसमें। मोयन हमेशा मैं बताती हूँ उतना होना चाहिए कि आप पूरा डाल लो मोयन, और फिर मुट्ठी बांध के देखो, मुट्ठी बंद रही है तो इट मींस ये परफेक्ट मोयन, बहुत करारी क्रिस्पी और नरम नरम सी पपड़ियाँ बनेगी मुंह में घुल जाने वाली। और ये मैंने कसूरी मेथी इसमें डाल दी है, तो ये मैदे की पपड़ी बना रही हूँ। तो मैंने सोचा था कि चलो पपड़ी वाला काम आज कर लेते हैं, अब इस बार मैं कोई रंग बिरंगी नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली बना रही हूँ। आपको होली की रेसिपीज़ अगर देखनी है ना, मैंने कम्युनिटी में भी शेयर की थी, मैंने समोसे भी शेयर किए थे होली के, मैंने बहुत सी रेसिपी शेयर कर रखी है पिछली बार, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, बस ये पपड़ी का आटा लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पालक और बीटरूट नहीं था और मैं लाना भूल जा रही हूँ बार बार। तो फिर वो कलरफुल तो मैंने नहीं बनाई, कलर डाल के मैंने बनाई नहीं, उतना हेल्दी नहीं होता है कलर डालना, इसलिए। तो ये मैंने इस बार कसूरी मेथी वाली पपड़ी का आटा लगाया, साथ ही ऐसा ही मैं एक आटे का भी बना रहा हूँ। आप चाहें तो मैदे की बना सकते हैं, चाहें तो आटे की भी बना सकते हैं। तो ये मैंने आटा ले लिया, उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी, ये मैं डाल रही हूँ अजवाइन, और वही कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ी सी हींग भी डाल दूंगी और थोड़ी सी लाल मिर्च भी इसमें मैं डालूंगी। इसकी मैं पपड़ी नहीं बनाऊंगी, इसके वो मटर होते हैं ना नमक पारे, वो बनाऊंगी मैं। तो ये दोनों आटे गूंथ के रख लूंगी और उसके बाद मैं ये बेलना और कट करना जो है वो शुरू करूंगी। उसके बाद मुझे बनानी थी आलू भुजिया भी, तो वो उसकी तैयारी भी करनी थी, तो पूरा दिन पैक था, बहुत थक गई थी यार आज मैं। तो देखो बस ये मोयन वैसे ही डाल देंगे जैसा कि मुट्ठी बन जाए उतना, और फिर इन दोनों को गूंथ के और मैं कर लूँगी, इसको बेल के रख लूँगी। तो बस ये दोनों आटे हो गए थे, फिर इनकी लोइयाँ बना रही हूँ और फिर बस बेलने लग पड़ूँगी इनको।
तो ये मैदे की मैंने बेली थी 75 के करीब, और फिर मैंने वो वाली भी बेली आटे वाली भी, और उसको कट किया, नमक पारे बनाए, तो मैंने 100 बताया था आपको, 100 तो मैंने बेसन की पपड़ी बेली आज, और 75 ये बेली, प्लस मैदे के पापड़ बनाए थे आज के दिन में, और मैंने ये मटर भी बनाए और आलू भुजिया भी बनाए, तो बहुत ज़्यादा काम हो गया यार सच में। और फिर घर के एक्स्ट्रा काम तो होते ही हैं, ये दो टाइम की सफाई वगैरह, तो पूरा दिन आज जो ऐसा गया। और आज फिर मोती डूंगरी भी जाना था, बुधवार था, तो फिर सच में यार मैं बहुत थक गई थी। किसी ने मुझे बोला था दीदी बैठ के बना लिया करो, हाँ यार बैठ के तो मैं बना सकती हूँ, बट अभी क्या हुआ ना कि मेरी अभी तबीयत ख़राब हुई थी, आपको याद होगा, तब मेरा उस बुखार से, उस वायरल से मुझे थोड़ा सा घुटनों में प्रॉब्लम हुई है, तो बैठने उठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे मैं आलू डाल दूंगी, आलू भुजिया बनाने के लिए आलू उबालूंगी, बीच में भूल गई थी मैं पपड़ी बेलने लग पड़ी, तो ये भी मुझे तलनी भी, पपड़ी बनाएंगे तो तलनी भी पड़ती है, तो फ्राई करने का भी मुझे पूरा करना था काम, तो बहुत ज़्यादा काम था यार। और ऊपर से फिर खाना भी बनाना था शाम का भी, सुबह तो राजमा चावल हो गए थे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आलू भुजिया बना रही हूँ, तो आलू मैंने 4-5 उबाले, तो जिसमें से 3 लिया है, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि आलू भुजिया की जो भुजिया वाली मशीन है, मुझे थोड़ा सा लग रहा है स्प्रिंग खराब है, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा 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 करके ही बताती हूँ। तो आलू को कद्दूकस कर रही हूँ, और कद्दूकस करके भी इनको मैश करूँगी, इससे क्या होगा कद्दूकस करने से इसमें कोई भी लम्स या गुठली नहीं रहेगी, और मैश फिर ऊपर से मैश कर लेंगे, उससे क्या होगा ना कि अगर हम ओनली मैश करते हैं या हाथों से कर लें ना, तो फिर होता क्या है कि अगर जब हम भुजिया बनाते हैं तो भुजिया बनाने मशीन में अगर हम वो आटा डालेंगे तो फिर वो चलेगी नहीं, अगर कोई भी डंठल या टुकड़ा सा आ गया आलू का तो फिर वो बनेंगे नहीं भुजिया, इस वजह से इनको मैश भी करना पड़ता है और कद्दूकस भी करना पड़ता है। अब यहाँ पे मटर भी मेरे बने हुए हैं, ये मैंने आलू जो लिए थे ना 3 आलू हैं, है ना, इसमें मैंने नमक डाल दिया है, और ये अमचूर है, और लाल मिर्च डाल देंगे, हींग डाल देंगे, आप चाहें तो पुदीना का पाउडर भी डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, लौंग का पाउडर डाल सकते हैं, गरम मसाला डाल सकते हैं, लेकिन ये मैं कोई होली के पर्पज़ से नहीं बना रही हूँ, आपको रेसिपी देने के पर्पज़ से बना रही हूँ। ये मैंने लाल मिर्च भी डाल दी, इसको छलनी में इसलिए छान रही ताकि इनमें भी कोई लम्स ना हो, तो ये मैंने हल्दी डाल दी, आप अपनी पसंद के मसाले डाल सकते हैं। अब इसमें मैं बाहर जैसा टेस्ट लाने के लिए मैगी मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास लहसुन का या प्याज का पाउडर नहीं है, वो होना तो और भी ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे, हल्दीराम जैसे आलू भुजिया बन जाएंगे। तो इनको छान लेंगे मसालों को, और फिर इन सब को मसालों को डाल के आलू में अच्छे से हाथों से ही मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें बेसन डालेंगे। तो ये ना होली के लिए नहीं है, क्योंकि अब मैगी मसाला डाला है तो भगवान को तो चढ़ेगा नहीं, है ना, ना एवती ब्राह्मण में होगा, तो ये मैं आपको सिर्फ रेसिपी के लिए बता रही हूँ, और घर पर ही आज ही ख़त्म हो जाने ये वाले भुजिया, तो देखना, क्योंकि आलू भुजिया या कोई भुजिया बने तो ऐसी वाली चीज़ें मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद है, तो फिर वो आज ही ख़त्म हो जाती है एक ही दिन में। तो ये मैंने 3 आलू लिए, उनमें मसाले डाले, और ये देखिए 1.5 कप के करीब मैं बेसन डालूंगी, तो इसको भी छान लेंगे आलू के ऊपर, 1.5 कप के करीब बेसन डाल रही हूँ। ये जो भुजिया जो भी हम बनाते हैं उसका आटा बहुत ढीला ढीला सा होता है, नरम नरम सा, ताकि मशीन से आसानी से निकल जाए। अब आलू भुजिया है तो बिल्कुल पतले वाले सांचे में से निकलेगा, तो इस वजह से पतला पतला सा आटा। तो ये देखिए चिपचिपा सा होगा ये आटा थोड़ा सा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा तेल लगाएंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना हम टाइट कर लेंगे तो फिर ये भुजिया वाली मशीन से निकलेगा नहीं। अब भुजिया वाली मशीन भी 2-3 तरीके की होती हैं, मेरे पास जो है वो मैं बता देती हूँ, इसका किसी ने डेमो भी मांगा था मुझे, वो मैं बता दूंगी। डेमो तो क्या दूँ, तो ये 1/2 कप और डाला, 1 कप तो मैंने डाल दिया था, 1/2 कप और डाल के बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। आप इसमें, मैंने तो गरम मसाला और डाला नहीं है, क्योंकि आलू को भी खाना था, तो गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर और कुछ भी नहीं डाला, मैंने सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी, हींग और मैगी मसाला डाल दिया है, है ना, अमचूर डाल दिया है, चाट मसाला हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए मेरे पास ये मशीन है, इसको खोलते हैं यहाँ से और फिर इसमें डाल, ये जो बटन है इससे प्रेस करके इसको ऊपर कर लेते हैं इस वाली चीज़ को, क्योंकि जब हम इस प्रेस करते तो ये वाली चीज़ नीचे चली जाती है ना, इस वजह से, तो इसको ऊपर करने के लिए वो वाला बटन है। तो ये देखिए इस तरीके से होती है भुजिया की मशीन, ये मेरे को 200-250 में पड़ी थी, बहुत पहले की है, 2-3 साल पहले हो गए इसको, इस तरीके से इसको दबाते हैं तब ये देखो नीचे जाती है ये वाली चीज़, और इसका प्रेस जब हम करते हैं, इसका जब दबाव पड़ता है तो आटा नीचे जाता है और नीचे से भुजिया निकलता है, है ना। तो ये देखिए ये यहाँ पे ये चीज़ होती है सांचा लगाने के लिए, दोनों तरफ से ये खुलती है, और इसमें हम भुजिया वाला सांचा लगा सकते हैं, चाहे तो मोटा चाहे तो पतला, कैसा भी 3 नंबर भुजिया भी बना सकते हैं। तो कई 12 तरीके के सांचे इसमें आते हैं, छोटा मोटा, गांठे का भी आता है, और चावल वाली जो चकली होती है उसका भी सांचा आता है, हर तरीके के सांचे आते हैं। तो ये देखिए मैंने लगा दिया, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इस पर, वरना आटा चिपक जाता है ना, तो इसमें हम ऑयल लगा देंगे अच्छे से इस मशीन में,
ये देखिए, फिर यहाँ से हम आटा डालेंगे और उसको बंद करके भुजिया बना लेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से तेल डाल देंगे। ब्रश हो तो, मेरे पास ब्रश थी लेकिन मैंने डाली नहीं, ब्रश से लगा लीजिए आप और ब्रश कर लीजिए ऑयल को, और फिर इसमें भुजिए वाला आटा डालिए। भुजिए वाला आटा हमेशा नरम बनाएंगे, वरना वो निकलेगा नहीं। जितना टाइट होगा तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, भुजिया बनेगा भी बहुत ज़्यादा हार्ड। तो बेसन वाली भुजिया भी मैं हर साल बनाती हूँ होली दिवाली। तो अगर मैंने बनाए और अगर वीडियो शूट की तो आप लोगों से फिर से शेयर कर दूँगी। पालक की भुजिया भी मैं बनाती हूँ, कई तरीके के बना लेती हूँ। तो ये देखिए, ये आटा तैयार था, इसमें थोड़ा सा मैंने तेल लगा लिया। ये देखिए कितना नरम आटा है ना, चिपक रहा है हाथों पे। आलू भुजिया का ऐसा ही होता है। तो थोड़ा सा हाथों पे तेल लगा लें, उसके बाद ये लेंगे आटा और फिर इसको ऐसे ऐसे करके इस मशीन में हमें डाल देना है। थोड़ी सी किचन गंदी हो रही है, वो माइंड मत करना, क्योंकि ढेर सारा काम जब हम करते हैं ना तो किचन का यही हाल होता है ना। आप लोगों के साथ भी यही होता है क्या? तो ये बस मैंने भुजिया का आटा लिया है, इसको डालेंगे, मशीन को बंद करेंगे और गरम तेल में इनको तलेंगे। तेल बहुत गरम नहीं होना चाहिए, मध्यम आँच होनी चाहिए, क्योंकि आलू भुजिया है तो अगर तेज तेल में हमने डाल दी तो ये जल्दी से जल जाएंगे। इसलिए तेल बिल्कुल मध्यम आँच पे हमें गरम करना है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तेल बहुत ठंडा हो तो फिर नहीं बनेगी भुजिया, है ना, अच्छे नहीं बनते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया, ये मेरा तेल गर्म हो चुका था। अब इससे मैं मशीन से चला दूंगी इसको, थोड़ा थोड़ा डालूंगी मैं। ये पहले डाल के देख लेंगे, अगर ये ऊपर आ जाता है तब तो ठीक है, वरना थोड़ी देर और गर्म होने देंगे। तो ये अभी एकदम से ऊपर नहीं आया, इतनी तेल नहीं हुआ था, तो अब तक हो चुका था। तो मैंने इसको प्रेस कर देंगे, ऐसे मशीन को ऐसे प्रेस करेंगे और भुजिया डालते जाएंगे, ठीक है। फिर एकदम से नहीं चलाना इसको, थोड़ी देर बाद ही चलाना, और जब तेल के झाग खत्म हो जाएंगे ना तब आप इनको पलट सकते हो। और एक बहुत ज़्यादा नहीं हमें इन्हें सेकना है, डार्क कलर नहीं होना चाहिए। ये आलू भुजिया तो बहुत जल्दी सेक जाएंगे, मध्यम आँच पर ही हमें सेकना है। ये देखिए, तो जब थोड़ा सा झाग खत्म होने लग गया तब इनको पलटना है। और ये देखिए, इस तरीके से पलट दीजिए। ये तो मैंने कम कम डाल के आपको बताया, ज़्यादा ज़्यादा भी हम डाल सकते हैं। तो जब इसके पूरे झाग खत्म हो जाएंगे तब हम इसको निकाल सकते हैं। और एक बार जब गर्म होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी कच्चे कच्चे से क्रिस्पी नहीं हुए, लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर पे ये आएंगे वैसे ही ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। नरम के नरम होते हैं, क्रिस्पी के क्रिस्पी होते हैं, और टेस्टी भी आलू भुजिया बहुत लगते हैं। और जिसके पास लहसुन और प्याज का पाउडर हो तो वो बिल्कुल बाहर जैसे बन सकते हैं। अब अपन को अगर होली के लिए बनाने हैं, भगवान को भी चढ़ाना है, तो फिर आप लहसुन प्याज और मैगी का मसाला नहीं डालेंगे। तो पहले मुझे ये होली के लिए नहीं बनाना था, अभी सिर्फ घर के लिए ही बनाना था, इस वजह से मैंने मैगी का पाउडर डाल दिया। और फिर अगर तेल भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पपड़ी वपड़ी मुझे तलनी है बाद में, तो ये तेल जो है ना वो भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैगी के मसाले वाला तेल है, तो इस वजह से। तो ये देखिए, इस तरीके से फटाफट से आलू भुजिया बन जाएंगे और रेडी हो जाएंगे। देखिए, इतने मैंने बनाए, आधे इतने के इतने और बन जाते हैं उस बैटर में, जितना कि मैंने बताया। ये मैंने तेल चेंज कर लिया था और अब मैं सारी पपड़ियाँ तल रही हूँ, जो भी मैंने बनाई थी ना बेसन वाली, तो वो बेसन वाली, मैदे वाली, मटर और सब जो है मैं तल लूँगी। तो आज मैंने गुजिया नहीं बनाया था, गुजिया मैंने कहा चलो फ्री होके नेक्स्ट डे बनाएंगे, आज बेलने का और तलने का ये वाला काम कर लेते हैं। तो इस बार मुझे ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं है, तो बस ये सारा काम में मुझे बहुत टाइम लगा। फिर मोती डूंगरी भी गए थे, लेकिन बाहर से ही दर्शन करके आए। कहते ना, कहते क्या है, कोरोना बढ़ रहा है तो फिर अंदर नहीं गए थे हम लोग। भगवान वैसे भी भावना के और श्रद्धा के भूखे होते हैं, तो हमने अब अंदर जाना बंद कर दिया। और ये वाली ये टी शर्ट्स वगैरह लाए थे, ये दो टी शर्ट्स लाए थे, कलर मुझे जो पसंद आते हैं मैं ही इनके लिए दिलाती हूँ इनको, जो कलर मुझे पसंद आता है। ये हाफ बाजू का शर्ट लाए थे, मैंने आपको शुरू में बोला था ना कि ये आएंगे तब मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये 24 तारीख का ही व्लॉग है, बुधवार का। ये एक मिलिट्री कलर वाला लाएं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।